आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। आज हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जिले के विकास खंड दोस्तपुर के वार्ड नंबर 8 बवनैया पूरम में। आज बाबा साहब के 132वीं जयंती के उपलक्ष में यहां पर विशाल झांकी का प्रदर्शन किया जा रहा है। लगभग 52 झांकियां इस कार्यक्रम में पूरे दोस्तपुर टाउन में जो है सम्मिलित हुई हैं। लगभग 10 किलोमीटर की दूरी से चल करके झांकियां दोस्तपुर बाजार टाउन एरिया में पहुंची हुई हैं। आइए हम बात करते हैं, हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं जो इस झांकी के कार्यक्रम को अच्छी तरह से एक दिशा को देते हुए जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम श्याम लाल है, मैं ग्राम पंचायत भरसुआ का रहने वाला हूँ। जी जी, आप भरसुआ से। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामारे गौतम है, मैं खालसपुर डिंगुर का रहने वाला हूँ। सर, आपका क्या नाम है? रविंद्र कुमार, पूर्व प्रधान भरसुआ। सर, आपका? जयस राम सोनकर, दोस्तपुर। सर, आपका? निवास कनौजिया। सर, आपका? डॉक्टर विवेक, दोस्तपुर। आपके बीच में अभी लोगों से परिचय हुआ, आइए हम बात करते हैं बाबा साहब के बारे में। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे आप बीच में आ जाइएगा। डॉक्टर साहब, बाबा साहब के बारे में आप क्या जानते हैं? बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाई जा रही है दोस्तपुर ब्लॉक में, दोस्तपुर नगर पंचायत में। हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और पूरी जनता दोस्तपुर के पेरी फेरी से गाँव से आए हुए सभी जनता का मैं स्वागत करता हूँ। और बाबा साहब के बारे में क्या बताएं, बाबा साहब संविधान निर्माता जो कि दुनिया में बहुत ही। सर, एक सवाल आपसे, अभी बाबा साहब को संविधान निर्माता के बारे में मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि संविधान सभा में बहुत से लोगों की कमेटी थी, संविधान को बनाने में कमेटियों का गठन हुआ था, लेकिन क्यों बाबा साहब को संविधान का जनक कहा जाता है? क्योंकि कई लोग थे संविधान सभा में जो कि छोड़ के किसी न किसी बहाने से भाग गए या कुछ उनको दिक्कतें हुई, और बाबा साहब अकेले बचे हुए थे। काफ़ी मेहनत करके जो है 2 साल 11 महीना 18 दिन में कंप्लीट किए संविधान को, इसीलिए उनका महत्व। सर, एक और सवाल आपसे है कि बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई किया, स्ट्रगल किया, पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ हासिल की। डिग्रियों के साथ साथ पूरी दुनिया में बताया कि किस तरह से संघर्ष करके आगे बढ़ा जा सकता है, उनके संघर्ष का कोई जवाब नहीं है पूरी दुनिया में। एक सवाल हम और आपसे करना चाहेंगे कि बाबा साहब एक स्टेटमेंट दिया था, मुझे याद आता है कि धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में मैं नहीं मरूंगा आऊंगा। और अंततः उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की धरती से अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, ऐसा क्यों उन्होंने जो बौद्ध धर्म को ही चुना? क्योंकि जो हिंदू धर्म में तो काफ़ी जो है यहाँ डिवीजन था, काफ़ी ऊंच नीच की दृष्टि से देखा जाता था, और उन्होंने समानता का जो कि पढ़ाई किया बहुत ज़्यादा और देखा कि जो है सभी को समान निगाह से समान भाव से देखना चाहिए, इसीलिए जो है क्योंकि बौद्ध धर्म ऐसा कोई जो है डिवीजन नहीं है, बौद्ध धर्म सबको समान मानती है, इसलिए जो है। सूत्रों के हवाले से मुझे एक पता चला है कि आप नगर पंचायत दोस्तपुर के उम्मीदवार, अध्यक्ष पद के उम्मीदवार नामित होने वाले हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है पार्टी के द्वारा, किस पार्टी से ऐसी उम्मीद आपको लग रही कि आपको नगर पालिका के अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ाया जाए? सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जन्म से, यानी कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ, बहुजन समाज पार्टी को ही जानता हूँ, और उसके बाद यहाँ से 10 साल से सेक्टर अध्यक्ष हूँ, और मैं एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी में आस्था और विश्वास रखते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहाँ पे दावेदारी पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ पूरी कमेटी, यानी कि पूरा जो है जितने भी यहाँ पे मेरे भाइयों हैं और जितने भी नगरवासी हैं, सब मेरे सपोर्ट में है, इसलिए मैं जो है उसे आना। हमारे अंतिम प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, हमारे चैनल के माध्यम से आप दोस्तपुर नगर पंचायत के क्षेत्रवासियों या यहाँ के निवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य? अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में ये संदेश देना चाहता हूँ कि क्योंकि बाबा साहब जिस तरह से स्ट्रगल किए, उनको फॉलो करके, उनको देख के सभी लोग अपने आप को सुधार कर ले, क्योंकि जयंती मनाने से कोई फायदा नहीं है जब तक उनको फॉलो नहीं किया जाता, उनके रास्ते पे नहीं चला सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत
धन्यवाद मैं देना चाहूंगा डॉक्टर साहब को। आप देख रहे हैं केमास न्यूज, क्राइम ब्यूरो सुल्तानपुर की रिपोर्ट। हमारे चैनल को देखने के लिए टाइप करें www.kemasnews.com या फिर केमास न्यूज ऐप।